दिव्यांग जनों के पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर स्थित सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर ने समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिलापट का अनावरण करके किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावर चंद्र गहलोत, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश सरकार के प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संचालित भवन का उद्घाटन फीता काट कर किया। उसके बाद सीएम सहित अतिथियों ने केंद्र का निरीक्षण किया तथा वहां पंजीकरण कराए दिव्यांग बच्चों से बात भी की तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि केंद्र में उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा और वे स्वस्थ हो जाएंगे। आपको बता दें कि समेकित क्षेत्रीय केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भाषा श्रवण और संचार विशेष शिक्षा सेवाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम, फिजियोथेरेपी, मार्गदर्शन और परामर्श जैसी 2 दर्जन सेवाएँ उपलब्ध हैं। इस केंद्र का रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और दिव्यांगजनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हाँ, सब लोग हो जाएंगे एकदम पीछे चलते। हाँ, हम लोग पीछे हैं, हम लोग नीचे मूव कर जाएंगे, बस पोजीशन पे आ जाए महाराज जी। अरे बारिश होने लगी महाराज, अब इसको कर लेते हैं। अरे भैया हिलाइए नहीं प्लीज, भाई तुम हाथ पीछे करा यार, हाथ आ जाता। मेयर साहब पीछे, मेयर साहब पीछे, मेयर साहब पीछे चलिए थोड़ा। टंडन जी आ गए, और इधर आइए। आशुतोष जी आइए, आगे ऊपर ऊपर भाई, टंडन सर आगे आ जाइए थोड़ा। अगर थोड़े इधर आते ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे तो सब लोग ठीक रहे। फिर आप लोग सामने खड़े हो जाएंगे, कैसे कोई करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया भाई, हो गया। अंडा जी कहाँ? जी बहन,
बच्चे हैं क्या आने तो सर ये आराम से भी देख के आराम ठीक है इसीलिए चलेगा उनको दे दो क्या नाम है भैया देख करके चोट लग गई क्या फायदा उनको पीछे आप लोग आराम से बंदे ले लो पंकज भैया आने का भाई सर कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेंगे सर बनेंगे सर ये व्यवस्था लगे हुए हैं सर ये सब सामान बनेंगे सर यहाँ बनाने के अभी तो ऐसी रखा है बड़ी टेबल पर स्कूल जाते हो नहीं पता है चार कराइए ठीक हो जाएगा ठीक है ना बहुत आ जाए ना।